वो बता 600 रुपये चल रही है क्या? हाय दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं दिल्ली की, मैं तो बोलूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फ्ली मार्केट चोर बाजार में, दिल्ली चोर बाजार में, जो जामा मस्जिद लाल किले के बिल्कुल सामने है। हम अपने घर से सुबह 5:30 बजे निकल गए क्योंकि ट्रैफिक हमें नहीं चाहिए था और जल्दी पहुंचना था। ये हम अब किराड़ी का हमारा जो रेलवे फाटक है उसको क्रॉस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि चलो पहले पेट पूजा करते हैं, इसलिए हम पहुँच गए नागलोई की तंग गलियों से होते हुए एक फेमस बिरयानी की दुकान में, जो मेरठ की मशहूर हलीम बिरयानी बेचते हैं हमारे जाकिर भाई। देखिए जाकिर भाई की दुकान है और ये है उनकी ओहो ऑसम बिरयानी। ये देखिए हमारी ये प्लेट लग गई, बहुत ही बेहतरीन होती है। अगर आप नागले के आसपास रहते हैं तो पूछ के ज़रूर आइए जाकिर भाई की बिरयानी की दुकान पे। उसके बाद हमारी पेट पूजा तो हो गई थी, फिर हमने कहा चलो भाई बाइक की भी पेट पूजा कर ले। हमारी स्कूटर को हम ले गए पहले और हमने इसको पेट्रोल फुल करवाया, पेट्रोल पम्प पर हमने पूरा पेट्रोल फुल कराया और फिर हम निकल गए। अब देखिए जामा मस्जिद जाने के लिए या आपको चोर बाजार जाने के लिए आपके पास पहले आपको पीरागढ़ी क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद पंजाबी बाग से दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि पंजाबी बाग से आप लेफ्ट लीजिए और यहाँ से ऊपर होते हुए आप करमपुरा करोल बाग होके कैनॉट पैलेस पहुँचिए और कैनॉट पैलेस से आप जामा मस्जिद चले आइए। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता जो हमने लिया, हमने अंडरपास से गए, अंडरपास से बाहर निकलने के बाद हम लोग ये जखीरा के पुल पर चढ़ गए और यहाँ हमें दिख गए ये हाथी महाराज, एकदम फुल तैयार होके ट्रैक्टर पे सवार होके जा रहे थे। देखिए ये जखीरा का ब्रिज है, जखीरा का ब्रिज जैसे ही आप उतरते हैं तो आनंद पर्वत की लोहे की मार्केट आएगी, उसके बाद आएगा दिल्ली के कुछ बचे हुए जो अभी भी जिंदा है सिंगल स्क्रीन थिएटर में से एक थिएटर लिबर्टी। ओह इसके भी पिक्चर देखने एक्सपीरियंस बहुत शानदार है, यहाँ फुकरे पिक्चर लगी हुई थी। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी ईदगाह की चढ़ाई। देखिए ईदगाह की चढ़ाई है, इस पर चढ़ते ही आपको सामने दिखेगा टक्कर पे ईदगाह। तो इस लाल बत्ती से आपको राइट लेना है, अगर लेफ्ट लोगे तो सदर बाजार चले जाओगे, राइट लोगे तो आपको पहाड़गंज होते हुए आवाज आते हैं। देखिए राइट हमने ले लिया है। अब राइट साइड में आपको दिखेगा झंडे वाला मंदिर, झंडे वाला मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है पहाड़गंज का, ये देखिए। और इसके आगे जैसे गोल चक्कर आएगा, गोल चक्कर से लेफ्ट लेना है पहाड़गंज थाना होते हुए। देखिए यहाँ राइट साइड में पहाड़गंज थाना दिख रहा है और सामने आपको न्यू दिल्ली स्टेशन की जो रेलवे ब्रिज है, ये ब्रिज है, इस पर आप चढ़ जाओगे। जैसे इस ब्रिज पे चढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको एक और एक आइकनिक थिएटर दिखता है, जो इंडिया का सबसे पहला 70mm स्क्रीन थी, शीला थिएटर। अब ये बंद हो चुका है, जितने भी सिंगल स्क्रीन थिएटर थे ज़्यादातर बंद हो रहे हैं। ये हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का ब्रिज है, इसके नीचे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है जिसपे 17 प्लेटफॉर्म है, जहाँ काफ़ी रश होता है। और इसको जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो आपको आएगा कमला नगर मार्केट, जो कमला नगर मार्केट बेसिकली अपने ट्रांसपोर्ट वाले ऑफिसेज के लिए ज़्यादा मशहूर है। ये देखिए राइट साइड में ये दिख रहा है। इसको क्रॉस करके आपको दरियागंज की तरफ जाना है, दरियागंज की तरफ जैसे ही आप आगे निकलोगे आपको लेफ्ट साइड में पुलिस का हेडक्वार्टर जो है, पुलिस भवन जिसको कहते हैं, वो दिखेगा। देखिए ये है दिल्ली पुलिस भवन। राइट साइड में दिखेगा द आइकॉनिक जो आपका रामलीला मैदान है, जहाँ से अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया। आज भी कुछ धरना चल रहा था लगभग पेंशन के ऊपर, देखिए रश काफ़ी है, बाहर भी लोग घूम रहे टोपी लगा के कुछ पेंशन को लेके। देखिए ये आ गया डिलाइट, डिलाइट भी कुछ सिंगल स्क्रीन थिएटर जो अभी बचे हुए हैं उनमें से एक है, ये भी अपने ज़माने का एक बेहतरीन आइकॉनिक थिएटर है। वहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो आपको दो रास्ता मिलेगा, सीधा रास्ता आपका जा रहा है राजघाट की तरफ, वहाँ नहीं जाना है आपको, वहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है। देखिए लेफ्ट रास्ता ऐसा घूम रहा है, वैसे आपको लेफ्ट लेना है, सामने आपको दिखेगा दिल्ली गेट। ये देखिए दिल्ली गेट, बेसिकली दिल्ली 6 जो कहा जाता है वो दिल्ली गेटों के बीच के एरिया को दिल्ली 6 कहा जाता है। तो अभी ये दिल्ली 6 के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। यहाँ पर लेफ्ट साइड में पहले है ना बुक्स की मार्केट लगती थी संडे के दिन सुबह सुबह, लेकिन अब वो पुलिस वालों ने हटा दी है। तो अब ये बुक वाले क्या कर रहे हैं, अंदर ही दुकान लेके यहाँ पर ही देखिए मार्केट लगा रहे हैं। इसमें आपको इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, UPSC हो, स्कूल की कॉलेजेस की कोई भी बुक हो, बुक अड्डा जैसे, आपको हर बुक यहाँ मिलेगी। देखिए बुक बाज़ार, ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें अब खुल गई है, पहले रोड्स पर लगती थी और काफ़ी सस्ती और मतलब कचरे के भाव में होती थी। आगे आप जैसे ही पहुँचोगे तो आपको ये देखिए अलियामीन और ये नज़ीर फूड्स, ये दोनों एक जाने माने रेस्टोरेंट है। अलियामीन तो फेमस है अपने वो जो नॉनवेज थाली आती है, और वहाँ से आप देखोगे तो सामने आपको दिखेगा गोलचा थिएटर, ये भी एक पुराना सिंगल स्क्रीन थिएटर है लेकिन अब बंद हो चुका है। उसके पास ही है ये मेहता स्वीट्स, मेहता स्वीट फेमस है अपने छोले भटूरे के लिए और पूरी सब्जी के लिए। ओहो यहाँ के छोले भटूरे बहुत ही बेहतरीन रहते हैं,
वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो हम पहुँच गए ये जामा मस्जिद के गोल चक्कर पे। यहाँ से लेफ्ट में जामा मस्जिद का रास्ता आता है, राइट में आपका लाल किला है। और अगर जो लोग बाइक से या कार से नहीं आ रहे तो उनके लिए है कि जामा मस्जिद की मेट्रो पकड़िए और इस वाले गेट से बाहर निकलिए, आप सीधा चोर बाज़ार के अंदर ही निकलिए। देखिए चोर बाज़ार का मीना बाज़ार सेक्शन शुरू हो गया। देखिए पार्किंग के लिए आप रोड पर पार्किंग मत लगाइए, यहाँ से गाड़ी बहुत उड़ जाती है। अगर आपको पार्किंग करना है तो थोड़ा आगे जाइए, लाल किला के सामने देखिए ये पार्किंग बनी हुई डेडिकेटेड, इसमें पार्किंग करिए। देखिए ये हमारी मार्केट लगभग शुरू हो गई है, रोड पे भी काफ़ी दुकानें लगी रहती है। रश तो आप देखिए, रश तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फ्री में सामान बट रहा है भाई साहब। लेफ्ट में देखिए, राइट में देखिए, खाली पब्लिक ही पब्लिक दिखती है यहाँ पर। ये देखिए हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में भेज दी और मैं यहाँ उतर गया। और यहाँ से देखिए पब्लिक खाली हुजूम, देखिए कितनी पब्लिक है। असल में देखिए यहाँ सामने गेट से आप अंदर जाइएगा तो चोर बाजार का मेन एरिया स्टार्ट होता है, लेकिन रोड पे भी दुकानें लगी होती है, जूते बिक रहे हैं, चप्पल बिक रहा है। जबकि यहाँ पुलिस वाले इनको काफ़ी परेशान करते हैं लेकिन फिर भी ये मानते नहीं है, यहाँ पर रोड पे चप्पल जूते अपने बेचते रहते हैं। देखिए पुलिस वाला भी इनको दौड़ा रहा है, ये पुलिस वाले ने डंडे से दौड़ाया, सब लोग भाग रहे हैं अपना सामान उठा के। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला यहाँ आ जाता है फिर ये आ जाते हैं, या तो हाथ में लेके बेचते रहेंगे। अभी आंटी को देखिए, ये एक जूता बेच रही थी जिसकी कीमत मार्केट में 25,000 रुपये की। ये है नाइकी का ऑटोमैक्स, और मैंने इनसे पूछा तो ये 1,000 रुपये बोली, शायद बार्गेन करने का और कम हो जाता। अगर आप जब चोर बाजार आते हो तो इस चीज़ गाड़ी से सावधान रहिएगा, इस गाड़ी पे आपको बॉडी वॉश, शैम्पू ये सब मिलता है। ये सब जो होता है इसके अंदर ओरिजिनल नहीं होता है पहले तो, दूसरा इसके अंदर हैंड वॉश भरा होता है, और सबको आप खोल के देखिएगा एक ही खुशबू आएगी, एक ही तरीके का होगा। तो ऐसी दुकानों से कुछ भी मत लीजिएगा, ये सब डुप्लीकेट और सब एकदम हैंड वॉश भर के बेच रहे हैं। प्लस ये मच्छी वालों भी रहते हैं ऐसे, इस तरह की बॉटल में वो शो पीस के लिए आपको मच्छियाँ बेचते रहते हैं, इनसे भी सावधान रहिएगा। ये मच्छी घर पहुँचते ही मर जाएगी, ये पता नहीं किसी नाली से उठा के लाते हैं। ये देखिए ये कोट वाले के हम पहुँचे, इनके पास कोट बिक रहा था, इसका ब्रांड देखिए, ये देखिए ब्रांड देखिए, आपको मैं ब्रांड दिखाता हूँ कौन से ब्रांड का कोट है ये। ये देखिए जॉन पेयर क्या है, लगभग 4700 रुपये का कोट है। अब ये कितने का बिक रहा है ये भैया खुद ही अपने मुंह से बोलेंगे। 250 रुपये का कोट है, आपको 50 रुपये में कोट भी मिल सकता है। यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है, मतलब क्या चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पर क्या नहीं बिक रहा था, देखिए चश्मा, देखिए यहाँ पर भी एक वेलवेट वाले कोट बेच रहा था और जो 100 रुपये में बेच रहा था चिल्ला चिल्ला के। कोट की क्वालिटी भी अच्छी थी 100। अच्छा इनसे भी सावधान रहिए, ये भी सिर्फ गैस भर के आपको दे रहे, ना इसमें खुशबू होगी ना क्वालिटी होगी। ये ओरिजिनल जूते होते हैं लेदर वाले, जैसे वुडलैंड या रेड चीफ का। साथ में ये जिम का सामान है, डंबल्स है, मैं भी कुछ दिन पहले 2 डंबल भी लेके गया था इनसे रेट करके, बहुत रीजनेबल रेट लगा देंगे। पुल बार है, वेट्स है, सब चीज़ रहती है, लेकिन बार्गेन आपको करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये ब्रांडेड बिस्किट्स, चॉकलेट्स, कॉफ़ीज़ मिल रही थी, डार्क फैंटेसी ब्रू। ये या तो एक्सपायर्ड होंगे या तो एक्सपायरी के नज़दीक होंगे, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इनकी मार्केटिंग की स्किल, देखिए कैसे बुला बुला के बेच रहे हैं। ये बैट देखिए किस तरह का बैट था, मैं तो पहली बार ऐसा बैट देखा हूँ। वैसे कच्चे बैट होते हैं ये, ज़्यादातर ऐसे पॉलिश की हुई थी जिससे लगे कि भाई ये बहुत अच्छे बैट है, लेकिन नहीं होता नहीं है। यहाँ पर स्पोर्ट्स के सामान मिल जाते हैं, नॉर्मल घर में यूज़ करने के लिए सही है। ये आपका ईयरफोन है, 100 रुपये का, 70 रुपये का, 50 रुपये का, हर जगह का बार्गेन करके ले सकते हो। ये आपको नकली नोट्स भी मिलती है, ये घर का सामान भी लोग बेच रहे थे, पता नहीं क्या क्या चोर बाजार में क्या नहीं मिल सकता है आपको, हर चीज़ बिक रही थी। ये देखिए आरसी कार्स है, आरसी जो रिमोट कंट्रोल कार्स होती है, ये मिल रही थी मार्केट में 1,000, 1,500, 2,000 की होती है। यहाँ पर हमने पूछा तो इन्होंने 600, 500 बताया, लेकिन मुझे लग रहा था 150, 200 में, 250 में ये बार्गेन करके दे देंगे। देखिए सब चल रही थी, सबको चला के चेक करके दे रहे थे, अलग अलग डिज़ाइन की। ये स्पोर्ट्स वाली है, वो हमर थी, और वो बहुत ही कहते रफ कार होती है वो है, सब तरह की इसमें कार्स रखी हुई थी बच्चों के खिलौने के टाइप की। अगर आप लेना चाहते हैं तो अच्छे से बार्गेन करके ज़रूर ले सकते हैं। ये देखिए हमर है, ये देखिए ये ट्रॉली बैग बेच रहे थे। ट्रॉली बैग वाले तो हमारे फेवरेट होते हैं, कि हमारा बिजनेस भी ट्रॉली बैग्स का ही है। ये स्काई बैग, सफारी, सबके बैग्स बेच रहे थे। हमने इनसे प्राइस पूछा, 2500 रुपये इन्होंने प्राइस बताया, और बार्गेन करोगे तो मुझे लगता है 1,000, 1,200 या 1,500 में आपको ये दे देंगे। और जो अच्छा प्राइस है, मतलब 1,500 में मिल जाए ब्रांड तो अच्छा है। इसके बाद ये बच्चे को हमने देखा जो ड्रोन बेच रहा था, हमने पूछा कितने का है तो लगभग 2,000 बताया, बार्गेन करने में और भी कम हो जाएगा।
और वो उनके जो साथ में था वो थोड़ा भड़क गया वीडियो बनाने के ऊपर। कोई बात नहीं, जिस रीज़न या जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए थे वो ये दुकान है। देखिए ये कार्गो पैंट्स बेचते हैं, कार्गो पैंट्स में भी आपको देखिए ये H&M ब्रांड की हो या तो जी स्टार रॉ की है, ये क्वालिटी देखिए कार्गो की, जिसके प्राइजेज लगभग 10,000-9,000 होते हैं, H&M के लगभग 2,000-3,000 रुपये के होते हैं। यहाँ पर H&M के 400-500 में और जी स्टार रॉ के लगभग 800-700 रुपये में आपको मिल जाएंगे। सब बेहतरीन ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल पैंट और बेहतरीन क्वालिटी में आपको ये मिल जाएगा, तो अगर लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ये भी ऐसा कुछ सामान घर का मिल रहा था। फिर हम पहुंच गए जूते वाले सेक्शन में। जूते वाले सेक्शन में तो भाई रश ऐसा होता है कि जूता फ्री में बट रहा है। इनके प्राइस तो मार्केट से ही महंगे रहते हैं, यहाँ पर आपको फुल बार्गेन करना ज़रूरी है। प्लस इनके डुप्लीकेट, फेक, उसके बाद फर्स्ट कॉपी, यूज्ड, हर तरह का माल होता है, तो वो भी समझ के आपको लेना है। तो यहाँ पर ज़रूर आप ध्यान से, समझदारी से यहाँ पर जूता देखिए। देखिए ये क्रॉक की चप्पल थी, ये ओरिजिनल है लेकिन इसके अंदर काफ़ी स्क्रैचेस थे, पुरानी लग रही थी, वहाँ भी काफ़ी क्रॉक की चप्पलें रखी हुई थी। हमारा साइज नहीं था इसलिए हमने इसको बार्गेन भी नहीं किया, पूछा भी नहीं। इसके आगे पहुँचे तो ये एक दुकान देखा मैंने, भाई यहाँ पर तो कबाड़ की तरह सामान पड़ा हुआ था। एक चीज़ मेरी नज़र पड़ी वो थी ये स्विस नाइफ, वैसे भी 4,500-5,000 रुपये का आता है, और भैया मुझे 200 का बता रहे थे, मैंने इसको 100 रुपये में बार्गेन करके ले लिया। उसके बाद देखिए लैपटॉप थे, लैपटॉप वाले का लैपटॉप बिक रहा था और कुछ एंटीक आइटम था, जैसे बाइनोकुलर्स था, ये पता नहीं कौन से ज़माने का ये टेप था, चलता कैसे वो भी नहीं पता है, लेकिन बिक रहा था। और शौकीन लोग आते हैं लेके जाते हैं ये सब चीज़। हमने बाइनोकुलर्स पूछा, भैया से बताओ कैसा है, इन्होंने दिखाया, ये वैनगार्ड कंपनी का था, मुझे इसकी मालूमात नहीं है, दिखने में थोड़ा टफ और स्टडी लग रहा था, कोई यूज़ नहीं था तो मैंने सिर्फ देख के वापस दे दिया। लैपटॉप वाले भैया थे भाई साहब, पूरा सील्ड पैक करके बेच रहे थे 2,000 रुपये में लैपटॉप, 2,000 रुपये में। उसके बाद ये ट्रॉली बैग वाले थे। उसके बाद ये जो मार्केट है जहाँ पर आपको कुछ वो कबूतर वबूतर मिलते हैं, इसके पीछे एक मार्केट है जो आपको साल के 12 महीने लगी रहती है, और ये संडे वनडे की मार्केट नहीं है, ये रोज़ाना आप आ सकते हो। यहाँ पर जीन्स, टी शर्ट, आपको ट्राउज़र, जैकेट्स, आपको लोअर्स, हर चीज़ मिलेगी। और यहाँ पर एक मशहूर चाय भी मिलती है जो मेरे भाई लोग पीने के लिए आ गए। ये देखिए सुलेमानी चाय है, पहले दूध डाला हुआ है, उसके ऊपर ये काली वाली जो पत्ती होती है उसको गर्मा गर्म काली पत्ती को ऊपर से डाल रहे हैं। ये बनी भी एक साथ नहीं रहती, इसको अलग अलग लोग डाल के ऐसा रखते हैं, फिर इसको अच्छे से एक डंडे से मिक्स करेंगे। देखिए अभी इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ऊपर से इन्होंने मलाई डाल दी इसमें, मलाई के बाद फिर से ये वाली जो लाल वाली जो चाय थी वो थोड़ी सी और डालेंगे, इसका मतलब एक लुक देने के लिए, और ये इनकी अब चाय तैयार हो गई। तो ये आपको पकती नहीं डायरेक्ट, ये इस तरह से बनती है, दिखने में बहुत टेम्पटिंग थी, जो चाय का शौकीन है उसको तो काफ़ी मज़ा आ रही थी। देखिए अब ये सब होने के बाद, हमारा सामान भी खरीदने के बाद, हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। तो पहले हम पहुँचे अपनी पार्किंग में, जहाँ से हमने सोचा अपनी गाड़ी उठाया। पार्किंग के आसपास भी पूरी दुकानें लगी हुई थी, मार्केट इतनी बड़ी है ये और इतना जगह पे है और इतनी चीज़ें मिलती है, शर्ट्स हुए, पैंट्स हुए, टी शर्ट्स हुए, आप आएंगे पूरा एक टाइम तो आप पूरा एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। जब वहाँ से हम लोग निकले अपनी गाड़ी लेके तो मुझे याद आया जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने एक बहुत अच्छी दुकान है जो आपको दिखाना बनता है, इसलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ये देखिए ये दुकान है, यहाँ पर आपको सब एयरलाइंस के सामान मिलते हैं, एयरलाइंस की प्लेट, ट्रेज, ये देखिए पाउचेज है जिसकी कीमत 400-500 रुपये हो सकती है, वो 50,000 में बेचते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इसे भी विज़िट करें, और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।